हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आज देखो प्रिंस लेवल प्लान लेके आ रहा हूँ। ये प्रिंस लेवल प्लान है, ये रीड कैसे करने का ये आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये पीबी प्लिन बीम नंबर एक है, और बाद में प्लिन बीम नंबर टू है, प्लिन बीम नंबर थ्री है, प्लिन नंबर चार है, बीम नंबर पाँच है, प्लिन बीम नंबर छः है। ऐसे पूरे पक्के बंगले का जो प्लान है उसको प्लिन बीम है, उसके हिसाब से ये प्लिन बीम का दिया है। देखो ये प्लिन बीम 9 इंच बाय 12 इंच का है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है। जो प्लिन बीम कहाँ से कहाँ था, ये आड़ा में रहता है, ये पी बीम 18 नंबर है, पी बी 17 है, पी बी 16 है, पी बी 15 है। ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो प्लिन बीम है उसका मैं आज डिटेल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये आरसीसी शेड्यूल है, आरसीसी प्लिन बीम लेवल का शेड्यूल है। यहाँ पे देखो टाइप रहता है, टाइप कौन से बीम का है, पीबी नंबर वन, तो उसका ओवरऑल साइज ब्रेड एंड डेप्थ का, ब्रेड बोले तो 9 इंच है, और डेप्थ बोले तो उसका हाइट 12 इंच का है। बॉटम बार देखो थ्रू में, ये 12 एम डाई का 2 बार है, और सेंटर में 10 mm का प्लस 1 बार है। सेंटर हाफ में देखो कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो टॉप बार में क्या है, 10 mm डाया का 2 बार है, और उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट बार, देखो एक्स्ट्रा सपोर्ट बार है टॉप बार में, लेफ्ट और राइट में 1.5 एन 1.4 बोले तो उसका 12 mm का 2 है, और 12 mm का राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 12 mm का 2 बार है। और उसका स्ट्रिप्स है देखो 8 mm डाया का, 7 इंच के स्पेस पे डाया है पूरा राउंड में। उसी से आप ये पी बी 1, 4, 7, 8, 10, 18, 18A और 29 है। उसके बाद पी बी 2 है, पी बी 2 में थोड़ा सा अलग है, 12 mm डाया का 3 बार है बॉटम बार में, और 10 mm डाया का 2 बार है टॉप बार में, एक्स्ट्रा सपोर्ट बार सेम एज इट इज है। उसके बाद ये हुआ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 15 नंबर 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर 26 नंबर 27 28, और पी बी 7 और 12, ये 9 इंच और बाय 15 इंच हाइट में अभी ज़्यादा बढ़ गया है। उसका 12 mm का डाया का 3 बार, और ये 10 mm डाया का 2 बार, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा सपोर्ट बार सेम एज इट इज़ है। पर उसका स्टीरिप्स है ये 8 mm डाया के ऊपर, 8 mm डाया का 6 इंच के स्पेस में, उसका 8 नोच जाता है इच एंड अदर, 8 इंच डाया का 200 mm बोलो तो 8 इंच का स्पेस में डाला जाता है। जहाँ से ये पी बी 7 है, देखो यहाँ पी बी 7 है, तो यहाँ पे 8 नोच आएगा, और यहाँ से भी 8 नोच आएगा, और ये बीच में 8 इंच का स्पेस में आ जाएगा। इसी प्रकार उसका पी बी 9 है, पी बी 9 6 इंच का है, उसका ब्रेड 6 इंच है, और हाइट उसका 12 इंच का है। उसका 12 mm डाया का 2 बार, 8 mm डाया का 1 बार, उसी हिसाब से 8 mm डाया का टॉप बार है 2 बार है, और उसका सेम एक्स्ट्रा टॉप बार 12 mm डाया का 2 और 12 mm डाया का 2 और 8 इंच, जो 8 mm डाया का 8 इंच के ऊपर रिंग है स्टीरिंग से। उसी प्रकार ये जो पी बी 11 है वो भी 9 इंच बाय 12 इंच का है, पी बी 13, 14, 17 और 20, ये 16 mm का 2 बार है डाया का, और ये 12 mm डाया का 2 बार है, तो 10 mm डाया का 2 बार, और एक्स्ट्रा सपोर्ट बार उसको दिया है 12 का 3 दिन, और 8 mm डाया का 6 इंच के रिंग है। उसी प्रकार ये सब रिंग ऐसे ही है। उसका एम बी भी है देखो, ये पी बी 24 और एम बी है, ये 6 इंच बाय 15 इंच का है। उसके बाद उसका देखो 12 mm डाया का 3 बार है, और बॉटम बार में, टॉप में उसका 10 mm डाया का 2 बार है, और एक्स्ट्रा सपोर्ट बार भी है उसको, और ये 8 mm डाया का 7 इंच के थ्रू है। ये बाद में बी ए पी बी 25 है, 9 इंच बाय 12 इंच का है उसका। उसके बाद उसका 12 mm डाया का 2 और 10 mm का 1 है प्लस बार, और 10 mm डाया का 2 बार टॉप में, और एक्स्ट्रा बार सेम एज इट इज़ है। इसी प्रकार ये जो पूरा प्लिन बीम है, ये प्लिन बीम बंगलो का है,
लिए भी प्लान है। इसको कैसे रीड करते हैं ये मैं आपको ऐसा बता दिया है, और उसी प्रकार ये स्टेयरकेस का भी है, स्टेयरकेस का वेस्ट डिटेल है। तो इसका इसका वेस्ट डिटेल में क्या है कि स्टेयरकेस वेस्ट में कितना 5-5.5 इंच का थिकनेस है, और उसका आएगा 5 इंच के स्पेसिंग मेन बार आएगा, 8 mm आएगा, 8 mm आएगा, 6 इंच के स्पेसिंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगा। ये पूरा डिटेल स्टेयरकेस वेस्ट का है, आप उसको देख के अपना बंगले का भी ऐसे रीड करके आप काम कर सकते हैं।